हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम दो और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। पहली सेल ऑर्गेनेली है हमारे पास गोल्गी अपरेटस। ये जो नाम है गोल्गी अपरेटस, ये साइंटिस्ट के नाम के उस पर रखा गया है। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल ऑर्गेनेली को पहली बार डिस्कवर किया था। गोल्गी अपरेटस कुछ ऐसा दिखता है, वो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलकर बना होता है, और जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आपस में पैरेलली अरेंज होते हैं। पैरेलली का मतलब क्या है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं, मतलब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है बट ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं। जो स्टैक ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। आप देख सकते हैं ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपस में क्या है, पैरेलली अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है, और जो स्टैकिंग है इसको हम बोले सिस्टर्ने। उसमें ये क्या प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स। तो ये तो हो गया गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर। ये जो गोल्गी अपरेटस है ये कई बार जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया और ये देख लिया कि ये कई बार क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है। अब बात आती है कि गोल्गी अपरेटस का फंक्शन क्या होता है। गोल्गी अपरेटस का फंक्शन ये होता है कि वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें मटेरियल की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं, ये सब चीज़ें बन तो गई, इसकी पैकेजिंग भी तो होगी। आप कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने देखा वो पैकेज्ड होके आते हैं। जो सामान की क्या करते हैं, पहले पैकेजिंग करते हैं फिर वो ट्रांसफर करते हैं। कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसकी पहले पैकेजिंग जरूरत होती है। तो सिमिलरली जो गोल्गी अपरेटस होता है वो पैकेजिंग का काम करता है। ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करेगा, एक सेल ऑर्गेनेली से दूसरी सेल ऑर्गेनेली में। दूसरा काम आता है इसका स्टोरेज और मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस की स्टोरेज भी होती है कि यहाँ पे स्टोर हो गया कोई भी सब्सटेंस। और मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, कोई भी एक सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर से आप क्या समझोगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है। अगर उसको हमें उसको कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना है तो वो उसकी मॉडिफिकेशन कहाँ होगी, गोल्गी अपरेटस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और होता है गोल्गी अपरेटस का, कि वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोल्गी अपरेटस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पे चलते हैं, वो है लाइसोसोम। तो हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली आती है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम एक वेसिकल है या फिर एक वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल है। उसके अंदर क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट। तो ये होता है एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। लाइसोसोम काम कैसे करता है, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस, ये लाइसोसोम। लाइसोसोम की बाहरी कवरिंग होगी, ये उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होगी। ये बाहर से कोई भी फॉरेन मटीरियल है, क्या आपको बैक्टीरिया है, कुछ भी आया है जो सेल के लिए फेवरेबल नहीं है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है या फिर उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। तो लाइसोसोम क्या करेंगे, इसे एंगल्फ कर लेंगे, मतलब इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लेंगे और उसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट क्यों कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये जरूरी नहीं है कि ये कोई भी बैक्टीरिया हो या फिर फॉरेन मटीरियल ही हो, कोई भी सब्सटेंस, जैसे सेल के अंदर ही कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज हुआ जो सेल के लिए वेस्टफुल प्रोडक्ट है, मतलब उसके काम का नहीं है, तो लाइसोसोम क्या करेंगे, उसे भी डाइजेस्ट कर देंगे। तो लाइसोसोम क्या हुए, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनली काम नहीं कर रही, या कोई खराब हो चुकी है, या उसमें कोई किसी भी सेल ऑर्गेनली में डैमेज आ गई, तो वो सेल के लिए तो हार्मफुल है क्योंकि वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ही पड़ी है वहां पे। तो लाइसोसोम क्या करेंगे, उसे एंगल्फ करके उसे भी डाइजेस्ट कर देंगे। कई बार क्या होता है कि सेल में डिस्टर्बेंस हो गई, मतलब उसकी जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, सेल अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उससे क्या होगा, जो लाइसोसोम है वो ब्रस्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर का जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स लाइसोसोम की वेसिकल्स में प्रेजेंट है वो बाहर आ जाएगी। वो तो बहुत ही स्ट्रांग है ना, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, वो क्या करेंगे, इस सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, इसके अंदर जो भी होगा उसको डाइजेस्ट कर लेंगे।
तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, क्योंकि कोई भी डिस्टर्बेंस होगी तो ये सेल का सुसाइड करवा देंगे। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। हमें ये तो देख लिया, जो लाइसोसोम की वेसिकल है वो बनाता है गोल्गी अपरेटस, पर इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम की वेसिकल कौन बनाएगा? गोल्गी अपरेटस, और उसके अंदर के जो एंजाइम्स है वो बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।